हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं। एंड भाई, अपनी फ्रेंड की, अपने रोहन भाई की गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करके रेडी की गई गाड़ी। बट अब तो बहुत सेक्सी लगने लगे, लॉइज लग चुके हैं, लाइट्स पे काम हो रखा है, ग्रिल पे काम हो रखा है, म्यूजिक सिस्टम में काम हो रखा है। बाकी मैं एक बार आपको गाड़ी चेकआउट कराता हूँ, उसके बाद मैं इसके फीचर्स बताता हूँ, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, गाड़ी का मॉडल क्या है, क्या क्या डिटेलिंग, सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सो भाई, कुछ फ्रेंड से ऐसा लुक आता है अपनी गाड़ी का। भाई ने ग्रिल लगा रखी है, जो आपकी Z4 वाली आती है, बीमर वाली, साथ में DRL लगवा रखे हैं। भाई ने हेडलाइट भी चेंज कराई है यहाँ पे। एंड ये देखो भाई, भाई कितने इंच के अलॉय डाले हैं, 17 इंच के अलॉय डाले हैं। एंड भाई टायर भी इनने सीएट का डाला है, कोई लोकल चाइनीज टायर नहीं डाला, क्योंकि भाई टायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रोड पे। और उन्होंने मिंडा के आपके इसमें अलॉयज डाल रखे हैं, अलॉयज भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे डाल रखे हैं। बाकी प्राइसिंग भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। यहाँ पे एक हिरन बन रखा है भाई, सेक्स का। बाकी एज यूजुअल टेंट, ब्लैक टेंट गाड़ी, पीछे भाई सेम प्रोफाइल टायर सेम, एंड पीछे की लाइट्स भी आपके यहाँ पे टिंट हो रखी हैं। इसके अलावा डिफ्यूज़र लगा हुआ है नीचे, जो कि बहुत क्लीन लुक देता है गाड़ी में। लाइक आप यहाँ से चेकआउट करो एक बार। और ये दोनों भाई हैं अपने, रोहन भाई की गाड़ी है, ये अपने भाई हैं, बढ़िया भाई। तो कुछ इस टाइप का गाड़ी का लुक है। एंड हम इसके रियर से ही शुरू करते हैं। मैं आपको बूट दिखाता हूँ गाड़ी के। बूट में इन्हें रखी है बेस ट्यूब, यहाँ पे भाई बेस ट्यूब लगा रखी है। बेस ट्यूब आपकी जो इसमें है, जो भाई आपकी 1300 वॉट की JBL की आपको यहाँ पे बेस ट्यूब मिल जाती है भाई, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस है इसका। बाकी जो इसमें आपके स्पीकर लगे हैं, स्पीकर आपके इसमें स्टॉक है। एंड इसके अलावा हम आगे की तरफ मूव करते हैं। पीछे में एज यूजुअल कुछ खास काम नहीं हो रखा, पीछे गाड़ी नॉर्मल है, थोड़ी सी अंदर हमने लाइटिंग करा रखी है। आगे जैसे कि इसमें दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमने लगा रखा है एम्प, इसमें लगा हुआ है हूटर। रोहन, हूटर कितने वॉट का लगा रखा है भाई? 25 वॉट की। एक बार हूटर खींच देते हैं भाई के लिए। बाकी इंटीरियर में हमने इतना ही काम करा रखा है, हूटर लगवा रखे हैं, बाकी आपकी बेस ट्यूब लग रखी है, अलॉयज लग रखे हैं, हेडलाइट में काम हो रखा है। बाकी मैं भाई से मिलाता हूँ एंड प्राइसिंग आपको पूरी बताता हूँ, क्या हिसाब किताब है। मैं आपको हूटर का भी साउंड चेकआउट कराता हूँ। रोहन, चालू करिए एक बार हूटर। भाई बाकी मैं आपको ओनर से मिलवाता हूँ और ये अपने भाई यहाँ पे। तो क्या हाल है रोहन भाई? देख रहे हो फ्लेक्स हो रहा है, आईफोन का, नया आईफोन का फ्लेक्स हो रहा है। और तुषार भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तो भाई ओनर रोहन भाई की गाड़ी है, रोहन भाई से पूछते हैं गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या खर्चा बैठा है गाड़ी में। तो भाई कौन सा मॉडल आपकी गाड़ी? 2021 का मॉडल है भाई। 21 का मॉडल है, 22 का। और ये जून जुलाई की समथिंग आई थी गाड़ी, है ना? जून में आई थी, 26 जून को मेरा बर्थडे था ना। अच्छा, और ये मॉडल कौन सा था भाई जो लिया था हमने? VXI मॉडल हमने लिया था। और इसके बाद आपने काम क्या क्या करा? बड़ा बड़ा काम करा, छोटे मोटे काम तो हमने बहुत करा दिए गाड़ी में, बड़े बड़े काम है। अभी रिसेंट में अलॉय चेंज हुआ, ग्रिल चेंज करवाई है, ठीक है, हेडलाइट चेंज है ये। हाँ जी, कुछ दिन बाद पीछे की टेल लाइट भी चेंज हुई, वो लगेगी क्या मिनी कूपर वाली? हाँ जी। अच्छा, हूटर लगवा रखा, हूटर बेस ट्यूब अपनी हो गई। हाँ, बेस ट्यूब का पूरा सिस्टम है। तो एक बार मेरे को खर्चा ही बता दो कि क्या था, जैसे भाई बहुत लोगों को डलवाना होता है, मोटा मोटा 1 लाख रुपए हमने लगा दिया भाई। वो तो मेरे को तो पता है मोटा मोटा, जैसे एक जनरल ऑडियंस को बता देते हैं, जैसे अपनी ग्रिल कितने की आती है? ग्रिल 3200 3500 मान लो, है ना? जो भाई आपकी ग्रिल है, कुछ इस टाइप की ग्रिल मिल जाती है इसमें। एंड हेडलाइट अपने नई लगवाई थी हमने, 22000 रुपए की एक लाइट थी, 22000 रुपए की एक लाइट थी। तो पेयर हमारा 24000 रुपए का पेयर पड़ा था। मोटी फरम भाई, ऐसे ऐसे पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ। और बाकी अलॉयज देखो, अलॉयज का क्या हिसाब किताब पड़ा है रोहन भाई? अलॉय भाई टायर के 56000 रुपए के पड़े हैं। टायर के साथ 56000 के पड़े हैं अपने टायर देने के बाद। अच्छा, अपने टायर दिए, उसका 56000 रुपए इसके पे किए हमने। तो भाई इसमें 17 इंच के हमारे अलॉय डले हैं। एंड जो इसमें टायर का साइज है, इसमें टायर आपको चेकआउट करती हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ, 215/45/8/17। तो भाई टायर प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया, 45 इज गुड, अच्छे सपोर्टिव होते हैं। देन इसके अलावा भाई ने छोटा सा स्टीकर भी लगवा रखा है। एंड भाई ये जेट ब्लैक का क्या रीजन है? अपने ग्रुप में सारी जेट ब्लैक गाड़ियां हैं, सारी जेट ब्लैक था अपनी की, बिना जेट ब्लैक की रहेगी भाई। और भाई आपका ये बेस ट्यूब का क्या खर्चा बैठा था? बेस ट्यूब का भाई 18000 रुपए का। 18000 रुपए का। और बेस ट्यूब का तो अभी भी हमने रिसेंट में काम कराया था, बेस ट्यूब अभी तो लगवाई है, उसकी भी हमने वीडियो डाली रखी है। हाँ, और हेडलाइट की भी हमने वीडियो डाली थी, दोनों हमने वीडियो डाली थी। तो मोटा मोटा हमारा 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो गया गाड़ी पे। हाँ, मोटा मोटा, छोटा मोटा तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, छोटा मोटा तो गिना ही नहीं भाई। हमने जैसे अपना हूटर भी लगा, हूटर कितने का सौदा था? हूटर 6800 रुपए का था भाई, मेरी मशीन और वो एक बाल्टी बस डबल बाल्टी। तो भाई देख लो, गाड़ी लेना छोटी बात नहीं है, गाड़ी लेना ही बड़ी बात है, उसका मॉडिफाई भी करना बड़ी बात है। और भाई स्विफ्ट, भाई देखो VXI मॉडल इतनी प्यारी बना रखी है ना भाई ने, मतलब रोड पे निकलती है ना, रिएक्शन एक नंबर आते हैं, एकदम सुंदर सुंदर रिएक्शन आते हैं। अभी भी अपने रिएक्शन मिले, ज़्यादा हमने शूट किए नहीं थे, बस एक आध हमने शूट किए थे। एंड हमने पहले भी कई बार शूट कर रखे हैं, वो भी हमने ऐड कर देंगे अगर मिल गए तो, और तो मिलेंगे नहीं पुराने वाले फ़ोन में। तो बाकी तो भाई यही थी अपनी गाड़ी, धीरे धीरे बनाइए, बहुत प्यार से बनाइए, और काम होना है, सब आता है भाई, सब अपने यूट्यूब पर आता है इस गाड़ी का। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस गाड़ी की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर आ सकते हो, इंस्टाग्राम के एंड में तीनों का डाल दूंगा। अब तीनों में चेकआउट करोगे, सेम गाड़ी आपको तीनों जगह मिलने वाली है। हाँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।